हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपके लिए M2R5 का प्रैक्टिकल क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे क्लास नंबर 10 के बारे में। तो आज का ये हमारा जो क्लास नंबर 10 है, ये आज का लास्ट क्लास है। इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगी वो मिलेगी आपका वाइबा से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कौन से ऐसे 3 क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहला क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक फॉर्म क्रिएट करने हैं, एक फॉर्म बनाने हैं HTML में, जिसमें नाम, सिटी, एड्रेस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रहे। इसके बाद अगर आप आगे देखें यहाँ पे नीचे दूसरे वाले क्वेश्चन में, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको टेबल के माध्यम से एक टाइम टेबल बनाना है, अर्थात आपके क्लास का जो टाइम टेबल है वो आपको क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट अगर आप तीसरे क्वेश्चंस को देखें, तो तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया, एक जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से आपको SI निकालना है, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या करना है यहाँ पे निकाल करके बताना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं देर ना करते हुए, और सबसे पहले क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे, ये पहला वाला, जिसमें हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें एक नेम और एड्रेस की डिटेल्स वगैरह होंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। तो मैं अपना टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे सबलाइन में ओपन कर लिया हूँ। यहाँ से मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, और इस नए पेज को मैं क्या कर लेता हूँ, पहले से ही सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी क्लास आज 10 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैंने इसको सेव कर लिया है .html लगा करके। ये मेरा पेज सेव हो चुका है, और इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं उसको मैंने भी यहाँ पे क्या कर लिया है, टाइप कर लिया है। यहाँ पे हमने बना दिया कि फॉर्म, यहाँ पे मैंने बना दिया आपका फॉर्म क्रिएशन। नेक्स्ट अगर आप देखें, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको नेम, एड्रेस, सिटी के लिए आपको बनाने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्म का एक टैग बना लेते हैं। सबसे पहले ही मैंने यहाँ पे फॉर्म का एक टैग बना लिया, और उस टैग में क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक हेडिंग बना लेते हैं नेम की, और उस नेम के बाद जो है हमको क्या करना है, इसमें एक इनपुट लाइन लगानी है, और टाइप में टेक्स्ट दे देंगे। नेम में हम दे देते हैं SName, अर्थात स्टूडेंट्स का नेम। अब इसको क्या करते हैं, दो बार BR लगा देंगे। दो बार BR लगाने के बाद यहाँ पे इसके बाद अगला जो डिटेल है एड्रेस के लिए, इस एड्रेस की डिटेल्स के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हेडिंग बना दें एड्रेस, तो एड्रेस में अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सिंगल लाइन एड्रेसेस बनाने हैं तो आप इनपुट के माध्यम से जा सकते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन बनाने हैं एड्रेसेस के लिए, तो इसके लिए आप टेक्स्ट एरिया के साथ भी जा सकते हैं। तो जो भी आपको बनाना होगा वो आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर मैं इनपुट लाइन के साथ जाऊँ, तो मैंने यहाँ पे दिया टेक्स्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 मैं दे रहा हूँ, और फिर से हम यही काम करेंगे, क्योंकि जो एड्रेस होता है वो कई सारी लाइनों में होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 दे दिया। फिर से मैंने एक बार और पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एड्रेस लाइन 3 दे दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं BR इसमें भी लगा दूंगा, कि अलग अलग BR हमारा यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें कंटेंट में, तो आगे कह रहा कि आपको एक सिटी के लिए भी बनाना है और स्टेट के लिए भी बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिटी लिख देंगे। अब सिटी के लिए आप क्या करना चाहते हैं, सिंपल आप इनपुट का ही फील्ड बनाना चाहते हैं, या फिर आप सिलेक्शन का बनाना चाहते हैं। अगर आपको इनपुट का ही फील्ड बनाना है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम में आप लिख दीजिएगा सिटी। उसी तरीके से यहाँ पे हम BR को भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम एक बार फिर से स्टेट लगाएंगे। स्टेट के लिए हमको क्या करना है, हम यहाँ से जाते हैं सिलेक्शन लिस्ट के माध्यम से, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे एक सेलेक्ट का ऑप्शन। उस सेलेक्ट के ऑप्शन में हमको यहाँ पे ऑप्शन देना होता है, और इस ऑप्शन में हमको क्या देना है, जैसे हमने दे दिया उत्तर प्रदेश, और अगला जो ऑप्शन हमने लगाया वो दे दिया MP, और तीसरा जो ऑप्शन हमने लगाया वो दे दिया हमने दिल्ली। तो इस तरीके से आप जो है सिटी स्टेट को भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें, तो आगे कहा गया कि आप पिन कोड इंटर करिए। तो पिन कोड के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ से इस सेलेक्ट के बाद जो है हम BR लगा लेते हैं, और BR के बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे पिन कोड के लिए, ठीक है। तो पिन कोड के लिए हेडिंग बनाने के बाद आपको फिर से वही काम करने, इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ले लेने हैं, और टेक्स्ट में यहाँ पे हम डाल देंगे पिन। अब इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें, तो इतना ही आपको करना था, डेटा एक्सेप्ट करना था। इसके बाद यहाँ पे कह रहा कि ऐड अ सेंड बटन टू सेंड एन ईमेल विद द डिटेल्स ऑफ नेम एंड कंप्लीट एड्रेस। तो कंप्लीट एड्रेस और नेम के साथ
सेंड करने के लिए आपको सेंड ईमेल की एक क्या बनानी पड़ेगी, बटन बनानी पड़ेगी कि जैसे आप मेल करें तो वो सारी चीजें क्या हो जाए, ईमेल पे चली जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो बटन क्रिएट करेंगे इसमें थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब लॉजिक क्या लगाना है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए हरिफ का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस ए हरिफ के कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे मेल टू। मेल टू लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया akitsolution04@gmail.com। तो ये मेरी ईमेल आईडी हो गई है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक बटन बना लेना है। तो बटन के लिए हमको क्या करना है, बनाना होता है इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू बटन, और उस बटन का हमको नाम लिखना है, जो भी नाम हमको देना है। तो मैंने SND दे दिया, और यहाँ पे हमको उसकी वैल्यू देनी होगी। तो वैल्यू में हमने लिख दिया सेंड। ठीक है, इतना हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और सेव करने के पश्चात हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे और इसका आउटपुट आपको दिखा देते हैं कैसा आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का आपका आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे आपका नेम है, एड्रेस है। एड्रेस के लिए कई सारी लाइन आपको दी गई है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3। यहाँ पे सिटी है, आप सिटी का नाम टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेट है, यहाँ से आप स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पिन कोड दिया गया है, पिन कोड के लिए आपको यहाँ से पिन कोड लिख लेना है। यहाँ पे सेंड का एक बटन दिया गया, तो मैं चाहता हूँ सेंड की बटन थोड़ा सा नीचे हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से BR को यूज कर लेंगे और पिन कोड के बाद BR को ऐड कर लेते हैं और फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा मेल से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे खुल जाती हैं। मेल के लिए हमको परमिशन मिलती है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से मेल कर सकते हैं अपने डिटेल्स से, जो भी हमारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। स्टूडेंट्स, इन सब ऑप्शंस का यूज करके आपको इस तरीके का एक फॉर्म क्या कर लेना है, डिजाइन कर लेना है। अगर आप इसको और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इसमें आप और फील्ड्स वगैरह को यूज कर सकते हैं, जैसे प्लेस होल्डर वगैरह हो गया, या फिर इस पूरे फॉर्म को टेबल में भी आप डाल करके थोड़ा सा अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो नेक्स्ट इश्यूज आगे अगर आप बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, टेबल में आपको रो स्पैन, कॉल स्पैन, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज करते हुए आपको एक टाइम टेबल बनाना है। अगर आप टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल कई तरीके से होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो यह भी एक प्रकार का टाइम टेबल है, इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो दिया गया है यह भी आपका एक क्या है, टाइम टेबल ही है। नेक्स्ट अगर आप इसको देखें तो यह भी आपका टाइम टेबल है। आगे अगर आप जाएं तो यह भी देखेंगे तो यह भी आपका क्या है, टाइम टेबल है। तो जिस भी प्रकार का टाइम टेबल आपको क्रिएट करने हैं वो टाइम टेबल आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, चाहे पहले वाले की या फिर दूसरे या तीसरे किसी की भी टाइम टेबल की बात करें आप, तो आपको यहाँ से क्या करना है, कोई एक ना एक टाइम टेबल यहाँ से आपको क्रिएट करने हैं। चाहे आप इस वाले टाइम टेबल को क्रिएट करें, चाहे आप इसको करें या फिर इसको करें, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, टाइम टेबल के रूप में बनाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कोई एक डिसाइड कर लेते हैं कि हमको जो है कौन सा टाइम टेबल क्रिएट करने हैं। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें भी आपका सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज हुआ है। अगर आप इसको देखें तो इसमें आपका भी रो स्पैन, कॉल स्पैन, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज किया गया है। उसी तरीके से अगर आप इसको भी देखें तो इसमें भी आपका सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज किया गया है। तो चलिए हम इसी टेबल को बना लेते हैं यहाँ पे ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, आपको एक नया पेज ले लेना है। इस नए पेज को लेने के बाद इसको हम यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं टाइम टेबल के नाम से। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया टाइम टेबल .html। अब बाकी जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको लिख करके दिखा दिया। और यहाँ पे हम एक जो है कंटेंट जो बना रहे हैं टाइटल का, वो हम यहाँ पे बना रहे हैं टाइम टेबल ऑफ आवर क्लास। ठीक है, ये हमारा टाइम टेबल के लिए एक हेडिंग हो गई, अर्थात आपका जो टाइटल हो गया यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल लिया गया है। तो टेबल लेने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप एक टेबल ले लेंगे और उस टेबल को आपको यहाँ पे काम करना है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, border 1। अब border 1 अप्लाई करने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है सेल स्पेसिंग। तो मैं सेल स्पेसिंग पहले ही लगा दे रहा हूँ 0 की। अब सेल पैडिंग आपका बचा हुआ, तो सेल पैडिंग अभी हम बाद में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रो लेनी है, जो जहां पे आपका डे या पीरियड शो कर रहा है। तो एक रो ले लेते हैं, इस रो में हमको क्या करना है, एक TH बना लेना है और उस TH में नाम हमको रखना है डे आवलिक पीरियड। तो हमने यहाँ पे रख दिया डे आवलिक
पीरियड। अब यहाँ पे क्या करना है, टीएच को क्लोज कर देना है, एक नई टीएच आपको लेनी है जहां पे आपको ये फर्स्ट वगैरह करके ये सारी चीजें लिखनी है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिखना है और बीआर लगा देना है। बीआर लगाने के बाद 9:30 से 10:30 यानी 10:20 तक आपको टाइम ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 9:30 से लेकर 10:20 तक की टाइम यहाँ पे क्या कर दी, ऐड कर दी। अब टीएच को क्लोज कर देंगे। उसी तरीके से अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे आपका सेकंड लिया गया है, तो टीएच फिर से लगाएंगे तो यहाँ पे सेकंड आपका हो जाएगा। और एक बीआर लगाने के बाद यहाँ पे आपको 10:20 से 11:10 तक लेना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 10:20 से लेकर 11:20 तक का आपका क्लास चलता है। अब क्या करना है, यही आपको प्रोसेस पूरा कर लेना है यहाँ तक कि जब तक कि आपका ये 7वां पीरियड ना लग जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को हम कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, ये जो हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 2, 2, 4 हो गया, 6 हो गया और एक पीरियड आपका हो जाएगा 7। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब बाकी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपका जो थर्ड पीरियड है उसको आपको ले लेना है, यहाँ पे आपको फोर्थ पीरियड लेनी है और यहाँ पे आपको फिफ्थ लेनी है और यहाँ से हमको उसको 6th पीरियड में कन्वर्ट कर देना है और यहाँ पे हमको 7th पीरियड लेनी है। ठीक है, तो ये हमने पीरियड तो ले लिया है, बाकी जो हमारा टाइम का स्लॉट है उसको भी हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो थर्ड पीरियड है, ठीक है, तो थर्ड को अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये जो हमारा थर्ड है वो हमारा टाइम का जो पीरियड है वो 11:10 से 12 बजे तक है। तो थर्ड को हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 11:20 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, तो ये 12 बजे तक हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड चलेगा। इस पीरियड के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 से लेकर 12:40 तक लंच का पूरा पीरियड दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई और टीएच बना लेते हैं। इस टीएच में हम लोग जो है, जो आपका टाइमिंग का स्लॉट है, केवल वही टाइमिंग का स्लॉट यहाँ पे लिखेंगे कि 12 बजे से लेकर के आपका जो लंच होता है वो 12:40 तक होता है। तो ये मैंने आपका ऐड कर दिया है, यहाँ पे मैंने टीएच को बंद कर दिया है। नेक्स्ट अगर आप फोर्थ क्लास का देखें तो फोर्थ आपका पीरियड लगेगा वो 12:40 से 1:30 तक होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, 12:40 कर दिया। 12:40 करने के बाद इसको जो चलना है पीरियड वो 1:30 तक चलेगा। तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे 1:30 तक। उसी तरीके से यहाँ पे 1:30 से लेकर 2:20 तक चलेगा अगला पीरियड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1:30 से लेकर 2:20 तक चलेगा। उसी तरीके से अगला जो चलेगा 2:20 से 3:10 तक चलेगा। तो हमने यहाँ पे बना दिया 2:20 से लेकर 3:10 तक चलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका लास्ट वाला 7th पीरियड चलेगा वो 3:10 से लेकर 4 बजे तक चलेगा। तो मैंने यहाँ पे बना दिया 3:10, ठीक है, और 3:10 से लेकर के हमारा ये चलेगा 4 बजे तक। तो मैंने इसको बना दिया 4। ये हमारा बन के तैयार है पहला हेडिंग। अब इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो हम क्या करेंगे, इसको अपने गूगल क्रोम पे रन करवा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे TR को बंद कर दिया है। अब हम चलते हैं गूगल क्रोम पे और इसको क्या कर लेते हैं, रन करवा लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी डिमांड थी, जैसा कि आपका क्वेश्चंस में अभी मैंने टाइम टेबल दिखाया हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे ये लाइन बन के पहली तैयार है। नेक्स्ट अगर आप आगे अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अगली आपको रो यहाँ पे बनानी है एक, और इस रो को जो बनाना है आपको वो बनाना है यहाँ से मंडे वगैरह को लेकर के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक नई रो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने एक नया रो यहाँ से क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो ये एक रो हमने यहाँ पे बना लिया है। उस रो में अगर आप देखें तो पहली जो हेडिंग यहाँ पे दी गई वो TH टाइप में है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, TH में लिख दिया और TH में जो डे है वो मैंने मंडे कर दिया। अब इसके बाद हमको TD लिखना है, ये जो डेटा वगैरह है वो TD के अंदर ही आएंगे। तो पहली पीरियड आपकी इंग्लिश की चलेगी, फिर TD मैंने लगाया और TD के बाद यहाँ पे जो दूसरी पीरियड है वो मैथ की है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ, फिर से TD को बंद करके फिर हम TD लगाएंगे। अब इसमें जो अगली पीरियड होगी वो केमिस्ट्री की होगी, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने TD को बंद कर दिया। इतना सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आपको अगर आउटपुट दिखाएं तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो आगे जो दिया गया है वो लंच का पीरियड दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे यानी TH एक बना लेंगे और उस TH में हम लिख देंगे LAU, LAU NCH,
लंच हो जाएगा। अब इस लंच को अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा सभी रो को मर्ज कर लिया है। यहाँ पे जितनी भी रो हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन सभी रो को मर्ज कर लिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रो स्पैन का एक टैग लगाएंगे, इसमें हम दे देंगे 6। नेक्स्ट आगे हमको क्या करना है, फिर से एक टीडी लगाना है। टीडी लगाने के बाद यहाँ पे हमको क्या करने हैं, लैब देने हैं। लैब में हमारा जो होगा 3 कॉलम को क्या कर रहा है, ले रहा है अपने पास, अर्थात जो 4, 5 और 6 वाली पीरियड है उसको हमको लैब देना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया आपका लैब। अब इस टीडी को हमने बंद कर दिया। इस टीडी में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा लेते हैं कॉल स्पैन। तो इस कॉल स्पैन में हमको देना है 3। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से एक नई टीडी लगाएंगे और उस टीडी में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे फिजिक्स का। ठीक है, तो ये हमारा बन के तैयार है। अब हमको क्या कर लेना है, सिंपल टीआर को बंद कर देना है और यहाँ पे अगर चले और आउटपुट देखें तो इस तरीके का आपका आउटपुट शो कर रहा है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अगले रो में आपको आ जाना है। तो यहाँ पे अगले रो में आपके लिए यहाँ पे ट्यूजडे है, अर्थात मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार को हम क्या करेंगे, उसी तरीके से एक नया यहाँ पे टीआर कॉपी कर लेते हैं। ये सारी चीजें हमको कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे मंडे की जगह आपको लिख देना है ट्यूजडे। तो ये ट्यूजडे हो गया है। ट्यूजडे होने के बाद अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करें तो इस तरीके का आ रहा है। जबकि यहाँ पे आपको क्या देना है, लैब अब आपको इधर कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोडिंग में अगर आप देखें तो अब यहाँ पे आपको लिख देना है लैब। ठीक है, अब ये जो लैब होगा वो आपका, यह आपका कितना कॉलम कंटेन कर रहा है, 3 कॉलम्स को ये कंटेन कर रहा है। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इन सबको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हटाने के बाद जो है हमको क्या करना है, यहाँ पे इस कॉल स्पैम को हटा देना है और यहाँ पे लंच के बाद जो आपका आएगा, अगर आप देखें यहाँ पे लंच के बाद इंग्लिश है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लंच के बाद इसको कर देते हैं इंग्लिश का पीरियड और अगला जो पीरियड है आपका यहाँ पे देखें वो है आपका केमिस्ट्री का पीरियड। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं केमिस्ट्री। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगला जो पीरियड है वो मैथ का है, तो यहाँ पे हम इस केमिस्ट्री को हटा करके जो है वो लिख देंगे मैथ। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो एक और पीरियड दिया गया है स्पोर्ट्स का। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फिर से कॉपी और पेस्ट कर देते हैं एक टीडी को और यहाँ पे हम लिख देंगे स्पोर्ट्स का पीरियड। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे चले और आपको आउटपुट दिखाएं तो इस तरीके से आपका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी आपका क्या जा रहा हो रहा है, यहाँ पे स्पोर्ट्स वो अगले हमें चला जा रहा है और लंच इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। जब लंच इधर शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका अगले रो में चला गया है, अगले कॉलम में चला गया। तो यहाँ पे हमको लंच यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। लंच अगर आपने एक बार लिख दिया है तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, वहां पे सब में ले लेगा। अब अगर आप इसको फिर से रिफ्रेश कराएं तो यहाँ पे देखिए अब आपका ये सेट हो चुका है। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर से इस टीआर को कॉपी कर लेनी है। इस टीआर को कॉपी करने के बाद इस टीआर को पेस्ट कर दे रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखें आपका मंडे ट्यूजडे हो चुका है, वेडनेसडे पे काम करना है। तो यहाँ पे हम जो हमारा ट्यूजडे लिखा गया है यहाँ पे हम लिख देंगे वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पहला आपको मैथ देना है, दूसरा फिजिक्स देना है और तीसरा आपको इंग्लिश देना है पीरियड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमको यहाँ से अब कॉल स्पैन को हटा देना है। कॉल स्पैन को हटाने के बाद यहाँ पे लैब की जगह पे हम दे देंगे मैथ और दूसरा जो पीरियड देना है वो फिजिक्स का देना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे फिजिक्स और तीसरा जो पीरियड हमको देना है वो इंग्लिश का देना है। तो यहाँ पे हम दे देंगे इंग्लिश। इसके बाद ये हमारा जो इंग्लिश के बाद ये लंच तो ऑलरेडी ऊपर लगा ही है, यहाँ पे हम लिख देंगे केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के बाद जो आपको देना है वो लाइब्रेरी का देना है और 3 कॉलम को मिला करके देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइब्रेरी। तो ये हमारा लाइब्रेरी हो चुका है। ठीक है, लाइब्रेरी। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 कॉल में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात 3 कॉल स्पैन लगा देंगे। अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाएं आपको तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आ रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो इसमें आगे जो आपको काम करना है वो थर्सडे के लिए करना है। अब अगला हम लगाएंगे यहाँ पे थर्सडे, तो इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे, फिर से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं।
यहाँ पे वेडनेसडे को हटा करके हम यहाँ पे लिख देंगे थर्सडे। अब इस थर्सडे के अगर आप देखें टाइम टेबल, तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे फिजिक्स, यहाँ पे लिख देंगे केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया केमिस्ट्री। और यहाँ पे जो आपको लिखनी है फिजिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री लिखनी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंग्लिश और यहाँ पे हमको क्या लिखनी है, केमिस्ट्री लिखनी है, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट लंच तो ऑलरेडी वहाँ से ऊपर से चला आ रहा है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले लैब देना है, तो लैब आपको 3 कॉलम में देना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस केमिस्ट्री की जगह पे आपको लिख देना है लैब। तो ये लैब जो होगा वो 3 कॉलम में रहेगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे लगाना है कॉल स्पैन 3। और यहाँ का जो कॉल स्पैन है उसको हटा देंगे। यहाँ का हटाने के बाद उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, मैथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना मैथ। अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके चलें और चेक करें, तो ये देखिए थर्सडे का भी प्लान आपका आ चुका है। उसी तरीके से अगर आप आगे देखें, तो यहाँ पे थर्सडे के बाद फ्राइडे है। फ्राइडे में पहला 3 पीरियड जो आपका लैब के लिए जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस TR को कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम क्या कर लेंगे, पेस्ट। अब थर्सडे के बाद जो है हमको कर देना है फ्राइडे। अब इस फ्राइडे में सबसे पहला जो पीरियड है वो लैब का है, और ये जो लैब का पीरियड है वो 3 कॉल स्पैन को अपने पास रख रहा है, तो हम 3 कॉल स्पैन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो लंच आपका वही रहेगा। और यहाँ पे जो 4 पीरियड आ रही हैं लंच के बाद, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिक्स हैं, तो यहाँ पे हम एडिट कर देंगे, ठीक है। तो एडिट क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैथ और यहाँ पे लिख देंगे फिजिक्स। और फिजिक्स लिखने के बाद जो है, मैथ के बाद केमिस्ट्री है, इंग्लिश और फिजिक्स है, तो मैथ के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद हमको जो लिखना है वो लिखना है इंग्लिश, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे इंग्लिश। और इस इंग्लिश में जो ये कॉल स्पैन ऊपर लगा था इसको हम हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है फिजिक्स लास्ट वाले में, तो ये हमने लिख दिया फिजिक्स। अब इसको अगर हम सेव करके आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएं, तो इस तरीके से आपका प्रीव्यू यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें, तो फ्राइडे के बाद जो अगला आपका दिया गया सैटरडे, तो इस सैटरडे में हमको क्या करना है, सैटरडे में हमारा 3 पीरियड आपका चलेगा शुरुआत से। तो फिर से हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देंगे। तो फ्राइडे को हटा करके हम यहाँ पे लिख देंगे सैटरडे। अब इस सैटरडे में ये जो कॉल स्पैन है इसको हम हटा दे रहे हैं, और यहाँ पे शुरुआत में इंग्लिश, केमिस्ट्री और मैथ चली हुई है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इंग्लिश। और दूसरे में हम लगा देंगे यहाँ पे केमिस्ट्री, ठीक है, CHE। और तीसरे में हम यहाँ पे लगा देंगे मैथ। तो ये हमारा 3 पीरियड हो गया है इंग्लिश, केमिस्ट्री और मैथ का। नेक्स्ट अगला जो पीरियड है लंच के बाद, लंच का जस्ट 3 जो पीरियड है वो आपके लिए क्या देना है, सेमिनार के लिए देना है। तो यहाँ पे हमको कॉल स्पैन लगा लेने हैं, और उस कॉल स्पैन में वैल्यू दे देनी है 3 की, और यहाँ पे हमको लिख देना है सेमिनार, ठीक है। तो ये सेमिनार हो गया है। अगला अगर आप देखें तो लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स टाइप कर दिया है। और स्पोर्ट्स टाइप करने के बाद सेव करके यहाँ पे आएंगे, तो देखेंगे इस तरीके से हमारा डिटेल आ रहा है। अब एक बात अगर आप ध्यान रखें, तो सभी जो आपके जो टेबल दिए गए हैं वो आपके सेंटर्स में दिए गए हैं, जो डेटा हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी TR में हम अलाइनमेंट सेंटर यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अलाइन लगाते हैं, इसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं सेंटर की, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और जितनी भी TR हमने यूज की हुई है सभी TR में हम क्या कर लेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा पेस्ट यहाँ से हो चुका है। इसके बाद हमको जो काम करना है वो करना है एक लंच के लिए, जो आपका वर्टिकल में दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें और यहाँ पे आपको दिखाएं, तो इस तरीके से आपका क्या रहा, डिटेल्स आ रही है। तो यहाँ पे ये लैब में आपका डिटेल थर्सडे वाले में पेस्ट नहीं हुआ है, तो देख लेते हैं थर्सडे कौन सा है, और उस थर्सडे में हमारा जो डिटेल्स है वो नहीं आया है। तो यहाँ पे जो बंद किया गया है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, इसीलिए हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐड करना है, तो ये हमारा अब सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम रिफ्रेश करके आपको दिखाएं, तो ये आपका देखिए यहाँ से सेट हो चुका है सब। नेक्स्ट आगे आपको अगर यहाँ पे दिखाएं, तो यहाँ पे जो लंच लिखा गया इस तरीके का लिखा गया है वर्टिकल में। तो अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकल में लिखा हुआ आए, जहाँ पे लंच आपने लिखा हुआ है, तो इस लंच को आपको क्या करना होगा, ये जो लंच आपने लिखा हुआ है इसको आपको वर्टिकल में लिखना होगा।
तो स्टूडेंट्स ये जो आपका लंच लिखा गया है इसको आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको स्टाइल लगाने के बाद आपको एक सीएसएस का जो प्रॉपर्टी होती है राइटिंग मोड इसको आपको यूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है वर्टिकल आरएल। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाएं तो ये लंच आपका इस तरीके से आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो लंच इस तरीके से लिखा हुआ LUNCH करके, और यहाँ पे जो आपका लंच आया हुआ है वो थोड़ा सा इस तरीके का आपका दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे चल करके, यहाँ पे इसके अंदर ही एक और उसकी प्रॉपर्टी होती है ओरिएंटेशन की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो टेक्स्ट का ओरिएंटेशन है वह टेक्स्ट का ओरिएंटेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस टेक्स्ट के ओरिएंटेशन में हम लगा देंगे अप राइट, ठीक है। जैसे हम इसको लगाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आपके लिए, और देखिए ये आपका वैसे बनके तैयार हो चुका है, लंच यहाँ पे आ चुका है। तो स्पेलिंग थोड़ा सा लंच की गलत है, और यहाँ पे आप देखें तो LUNCH है, और यहाँ पे हमने दूसरा स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं LUNCH। तो ये आपका हो चुका है लंच का स्पेलिंग आ चुका है, और जो भी डिटेल आपकी यहाँ पे दी गई थी जिस भी प्रकार से वो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दी है। अब अगर आप सेल पैडिंग वगैरह की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल में जा करके सेल पैडिंग वगैरह को भी थोड़ा सा यूज कर लेना है। एक दो पॉइंट यहाँ पे सेल पैडिंग लगा दीजिए और इसको रिफ्रेश करिए, तो आपका ये जो डेटा होता है वो थोड़ा सा क्या होता है बॉर्डर से हट करके यहाँ पे आपको डिस्प्ले करता है। देखिए इस तरीके से आपका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा पैडिंग और कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैडिंग करने के बाद ये दो लाइन में चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपना ये वाला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो मैंने सेकेंड क्वेश्चन आपको बताया है। नेक्स्ट अगर आप तीसरे क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए दिया गया है एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना है जो जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से होगा, और इसमें आपको तीन बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। इस तीनों बॉक्स में आपको क्या करना है, यूजर से प्रिंसिपल रेट और आपका जो ड्यूरेशन होता है उसको एक्सेप्ट कराना है, और लास्ट वाले में क्या करना है एक बटन बना करके, जैसे आप बटन पे क्लिक करें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए आ जाना चाहिए। तो इसका प्रोग्राम्स मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोज में बना करके दिया हुआ है, जो मैंने 9 वीडियो में इंक्लूड किया है, किसी न किसी एक वीडियो में जरूर होगा, आप उन वीडियोज को जरूर देखें, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसके बाद आप बताइएगा, मैं इसकी कोडिंग आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कर दूंगा बना करके इस। तो स्टूडेंट वीडियो लंबी हो रही, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं आज यहीं पे अपना ये जो टॉपिक है इसको स्टॉप कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके साथ एक और आपको इम्पोर्टेंट सूचना आपको बता दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसकी PDF आपके पास उपलब्ध हो जाए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल AKIT Solutions को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप क्या कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ये जो आपका जो PDF होगा वो शाम को 7 बजे के बाद आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वाइबा के साथ, क्योंकि हमारा आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो लास्ट वीडियो लेक्चर है M2 का। नेक्स्ट हम लोग जो लेके आएंगे तो उसके आपका वाइबा का क्वेश्चंस लेके आएंगे, कि अलग अलग तरह से जो वाइबा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामर्स के द्वारा वो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।